Hey guys, welcome. आज मई की 8 तारीख है और मैं एक शहर में हूँ, कोसोवो के शहर प्रिश्तीना में हूँ. यहाँ पर आया मैं कल आया था तकरीबन प्रिजन से यहाँ आने के लिए तकरीबन एक डेढ़ घंटा लगता. तो क्या देखा यहाँ पर, बहुत अच्छे खाने खाए इनके अपने लोकल. और उसके बाद क्या देखा यहाँ पर कि जो दुनिया की सबसे बदसूरत बिल्डिंग है वो इस शहर में, तो वो देखने गए. वो एक लाइब्रेरी है, तो उसकी वीडियो भी डालूँगा, पिक्चर्स के अंदर आप लोग को दिखाऊँगा कि वो बिल्डिंग देखी, उसके अंदर गए, घूमे फिरे अंदर से. मुझे बुरी नहीं लगी, लेकिन दुनिया कहती है कि बहुत बदसूरत बिल्डिंग है, वो देखी. उसके बाद आज यहाँ आया हूँ. यह है बेयर सेंचुरी. यहाँ पर ऐसा है कि तकरीबन 6-7 साल पहले जो रेस्टोरेंट्स थे उनके बाहर लोग रीच रखते थे, लोगों को अंदर बुलाने के लिए कि खाना वगैरह बेचने के लिए. तो लोग आते थे वो रीछों के साथ, रीच उनको छोटे छोटे जंगलों में रीछों वो रखा होता था, और उनके अंदर बड़ी बुरी हालत होती थी रीछों की, तो उनके साथ जुल्म होता था. तो जो बेयर्स थे, जो रीच थे वहाँ पर, तो कोसोवो ने 10 साल पहले एक रूल, एक लॉ बनाया कि इस तरह रीच को रखना जो है गैर कानूनी है. तो फिर ये सेंचुरी खोली गई थी, तो यहाँ पर बेयर्स जो हैं अभी अंदर, इनके लिए बहुत खूबसूरत जगह बनाई है उन्होंने घूमने फिरने के लिए. तो बहुत अच्छी जगह है अंदर देखने के लिए, आप घूम फिर सकते हैं. और फिर मैंने एक वो जो उनको खाना खिलाते हैं बेयर्स को, जो रीच को खाना खिलाने के लिए जाते हैं, तो उनके वो एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक रेडी सी लगी होती है, तो वो जाते हैं सारे पूरे पार्क के अंदर घूमते फिरते हैं, सबको खाना देते हैं. तो उनके साथ गया, तो बहुत अच्छी वीडियोस बनी, बहुत खूबसूरत तस्वीरें खींची रीछों की. तकरीबन 18 रीछ है यहाँ पर. एक रीछ की स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है कि लोग उसको रेस्टोरेंट में उसको बियर की बोतलें पिलाते थे, शराब की बोतलें पिलाते थे 20-20 एक दिन में. तो वो हर टाइम टुन होके बैठा रहता था, बड़ा टुन बियर था. तो यहाँ पर भी आ गए, उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने शराब से छुड़ाया, हर टाइम शराब मांग रहा था लोग कहते. तो ये छोटी सी बियर की स्टोरी थी. उसके अलावा कल कोई वीडियोस वगैरह नहीं होंगी, क्योंकि कल मेरा सफ़र का दिन है. यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस मैसेडोनिया, और फिर मैसेडोनिया से इंशाल्लाह सर्बिया. तो परसों इंशाल्लाह आपको खबर मिलेगी, पर इंशाल्लाह सर्बिया से वीडियो बना के भेजूँगा. लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो फिर बाद में बात करते हैं. अल्लाह हाफिज़.
तो ये वो बिल्डिंग है जिसकी मैं बात कर रहा था, दुनिया की सबसे अगली बिल्डिंग, और ये बाहर से ऐसे दिखती है और अंदर से ऐसे दिखती है। जैसे मैंने कहा, मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन दुनिया इसको सबसे बदसूरत बिल्डिंग के नाम से आज जानती है।